मस्त व्यू दिख रहा है और नीचे नीचे कितने सारे घर दिख रहे हैं और उधर उस साइड नदी दिख रही है ये दिख रहा है मंदिर बदराज मंदिर यार देखो क्या मस्त व्यू दिख रहा है और देखो नीचे नीचे कितने सारे घर दिख रहे हैं और उधर उस साइड नदी दिख रही है अभी जूम करके दिखाता हूं अभी आपको देखो यार क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से और अभी जाना है ऊपर की तरफ तो काफी ऊपर जाएंगे और वहां जाके तो और ही ज्यादा मतलब मस्त व्यू आएगा पूरा ये दिखेगा इधर पूरा दिखेगा और यार बादल अगर थोड़े नीचे होते ना तो इतना भयंकर व्यू आता ना तो यहां से जाना है सीधा आगे तो हम अपने धनों को उठाते हैं और निकलते हैं तो नीचे खड़ी कर दिया मैंने बाइक और अभी चल रहे हैं हम ऊपर ऊपर और ऊपर का नजारा दिखाता हूँ आज मौसम साफ है तो यहाँ से भद्राज मंदिर दिख रहा है अभी दिखाता हूँ आपको और सामने देखो ये दिख रहा है मंदिर भद्राज मंदिर बिल्कुल चोटी में इधर से जाना है अब एक तो चढ़ाई दूसरा जंगल का रास्ता कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर है सांड या बेल जो भी बोल सकते हो आप इसे अब यहां से डर लग रहा जाते हुए मार मारना दे यार कुछ नहीं पता इसका चल चल, चल। भागने के लिए तैयार हो जाता हूँ चल चल बिल्कुल तो भी के लिए तैयार नहीं है एक बार करके देखता। चल, 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 चल।, 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 चल। साइड हो जा भाई। बस। अरे भाई अरे भाई डर लग रहा था यार बहुत सारी वीडियो देखी है ऐसे सांड की मैं सांड ऊपर ही उठा देता है और यहाँ ऊपर उठाता तो नीचे जाता मैं ओहोह हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एको नए दिन में एक नए ब्लॉग पे और आज का ब्लॉग दोबारा से कैंपिंग का होने वाला है लोकेशन वही पुरानी है जो आपने पिछले से पिछली वीडियो में देखी थी ऊपर पहाड़ और नीचे हमारा टेंट लेकिन इस लोकेशन में जो नया है वो ये है कि पिछले से पिछली वीडियो जो आपने देखी थी अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन है उसमें आ रखे थे बादल तो बादल आने के कारण नीचे का व्यू अच्छा नहीं दिख रहा था लेकिन इस बार देखिये नीचे का पूरा व्यू दिख रहा है विकास नगर सेला कोई प्रेम नगर सब कुछ यहाँ से दिख रहा है और अभी दिखाता हूं आपको बैक कैमरे से व्यू देखिए देखिए आप सामने की तरफ देखिए व्यू पूरा क्लियर दिख रहा है देखो इस व्यू के लिए मैंने डेढ़ हफ्ता कम से कम इंतजार करा है क्योंकि बादल ही रहते थे बरसात का टाइम है तो बादल बादल और अगर मौसम साफ भी रहता था धूप आती थी तो हवा में कुछ धूल के कण रह जाते थे उसके कारण दिखता नहीं था और इधर दिखाता हूँ इधर है डाक पत्थर इस साइड इस साइड है डाक पत्थर और इधर है सैंसपुर सैंसपुर और थोड़ा आगे जाएंगे अगर वो है सेलागुई और प्रेम नगर है इस साइड इस साइड है प्रेम नगर आगे की तरफ और देखो व्यू देखो यार क्या व्यू दिख रहा है मतलब यार मजा ही या आ गया देखो इस व्यू के लिए देखो, देखो डेढ़ हफ्ता इंतजार करना पड़ा लेकिन फाइनली वो व्यू मेरे को मिल गया है जो मेरे को चाहिए था और इधर है आपके पहाड़ जंगल और इधर है आपकी नदी वैली तो मतलब कितना प्यारा व्यू है बाकी कमेंट में जरूर बताने की लोकेशन कैसे लगी और यह वीडियो कैसे लगी और वीडियो को जरूर लाइक करना अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना कोई बात नहीं लेकिन अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर देना देखो एट्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा लेकिन मेरी वीडियो ही नहीं देखते नोटिफिकेशन में सिर्फ आठ दस लोग ही मेरी वीडियो देखते हो नोटिफिकेशन से और मेरे समझ नहीं आ रहा है यार क्या बोलूँ उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि जरूर देखा करो वीडियो और नोटिफिकेशन जरूर ऑल में कर दिया करो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए तो भी मिलते हैं और नई वीडियो में और नई लोकेशन में और नए दिन में टाटा बाय बाय